लेकिन ओला का हमने एक सपोर्ट भी लगा के रखा है कि 90 से 100 के अंदर इसका एक बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन आप लोगों को कौन एकदम परफेक्ट सपोर्ट हम लोग बताएंगे आने वाले ट्रेडिंग वीक में, यानी कि 2 सितंबर नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है जो कि मंडे में। तो सभी को तो पता ही है आज 30 अगस्त मार्केट क्लोज हुआ है और इस हफ्ते का और इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे था आज, ठीक है। तो आज के मार्केट में आप देख सकते हैं ओला 1.90% के गिरावट के साथ मार्केट में क्लोज हुआ है। तो आने वाले मार्केट में क्या और गिरेगा, क्या फिर यहाँ से एक बार और बाउंस बैक होके जाएगा ओला मार्केट के अंदर, सब कुछ डिटेल्स के साथ बात करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर, ठीक। तो दोस्तों एक चीज़ आप सबसे पहले नोट कीजिएगा, ओला आप सभी को तो पता ही है भाई बिजनेस सेक्टर में ओला अच्छा खासा आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा है, तो आप लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नज़र आएगा। लेकिन क्या विथ इन 4 to 5 months के अंदर हम लोगों को ओला एक बार फिर से अच्छा खासा रिटर्न देगा? तो ओला का फंडामेंटल कैसा है तो सबसे पहले वो देखते हैं। ओला आप देख सकते हैं, आप मार्केट कैप्चर देख सकते हैं 52,000 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, जो विथ इन ए शॉर्ट टाइम्स इसने बहुत ही अच्छा खासा आईपीओ के थ्रू पे लिस्टेड होकर भी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर बनाया है। लेकिन इसका पी रेशियो एक क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही आएगा, मतलब Q1 के रिजल्ट के बाद ही आएगा। तो दोस्तों ओला के अंदर आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई बहुत ही बढ़िया है, आप 3 से 5 साल का वेट कीजिए, आपको लगभग 4 से 5 गुना अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए नज़र आएगा ओला के अंदर। सो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, अगर हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए इसके अंदर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप लोग एक चीज़ इसमें देखिएगा ओला में, तो आप लास्ट वन मंथ के अंदर आप लोग देख सकते हैं 29% का प्रॉफिट, फिर मतलब ओला लिस्टेड होने के बाद, लिस्टेड हुआ उसके बाद तो ओला अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, फिर ओला थोड़ा थोड़ा करके गिरते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे जितने भी वीडियो होते हैं ना सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बाय करो सेल करो होल्ड करो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। और ओला के बारे में हम लोग क्या ही बात करें भाई, ओला तो इसका आने वाले दिनों का, चलिए अभी हम लोग इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। तो 2 सितंबर में अगर ये 131 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है अगर उसको ब्रेक करता है तो भाई इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आने का संभावना है, ठीक है। और अगर ये आने वाले मार्केट में 107 का जो इसका सपोर्ट लेवल है अगर उसको ब्रेक करता है तो भाई ये और थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।